हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पुराना मेजरमेंट का जो ब्लाउज़ लेके हम लोग न्यू ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करने का, ओल्ड ब्लाउज़ में किस तरह मेजरमेंट लेने का, और कटोरी ब्लाउज़ है ये, और उसको नया ब्लाउज़ में कैसे कटिंग करने का, तो मैं आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। देखिए, पहले यहाँ ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है। देखिए, कोई भी ब्लाउज़ में जो यहाँ पर इस तरह लेस रहेगा तो वो निकाल दीजिएगा, निकाल के कटिंग करने का रहता है। पहला क्या करने का, यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिया है, उसको यहाँ पर इस तरह डबल फोल्डिंग में फोल्ड करना है। इस तरह ओपन साइड है, में उस साइड रखा है, मेरी तरफ क्लोज है। इस तरह आपको अस्तर को फोल्ड करना है। फर्स्ट मेजरमेंट ब्लाउज़ में क्या करना है, लेंथ देखना है। लेंथ कितना है वो देखिए, 13.5 इंच लेंथ है, कम है, 13 इंच है, उसको आधा इंच बढ़ा के लिया मैंने। 8.5 इंच चेस्ट है, शोल्डर यहाँ पर आता है 10 इंच, 10 का आधा मैं 5 इंच लेती हूँ, और बैक नेक आता है यहाँ पर 10 इंच, 10.5 लेती हूँ यहाँ पर, और आर्मोल का गोला ये वन साइड ही लेना है। देखिए, इस तरह बैक साइड में या फ्रंट साइड में कौन सा भी साइड हो, इस तरह आप देख के गोला ही इस तरह लेना है। 7.5 इंच, 7 इंच आता है, 7.5 इंच लेती हूँ, आधा इंच बढ़ा के ले लो शोल्डर की, यहाँ पर स्टिचिंग में जाते हैं। आगे का गला 6 इंच है और पीछे का गला 10 इंच है, और यहाँ पर कटोरी का जो साइज होती है, कटोरी का साइज वो 5 इंच कटोरी का साइज होती है, 5 इंच लिया है यहाँ पर, और इस तरह मेजरमेंट लेना है। और स्लीव लेंथ, स्लीव राउंड मैं लास्ट में मैं बताती हूँ एकदम शॉर्टकट में किस तरह स्लीव्स कटिंग करना है। लेंथ यहाँ पर मैंने 14.5 इंच ले रही हूँ, 1 इंच बढ़ा के। शोल्डर यहाँ पर 5 इंच लिया है, और आर्मोल यहाँ पर 5.5 इंच लिया है, और आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है उस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर कटिंग बताया। और चेस्ट 8.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच, चाहिए तो आप 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच भी ले सकते हो। और कमर का गोला, ये पूरा कमर को इस तरह फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद चौथा भाग में फोल्ड करना है, उसके बाद कितना आता है देखना है। यहाँ पर कितना आया, 6.5 आया, 6.5 यहाँ पर इस तरह मार्किंग करना है, 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, इस तरह आपको रखना है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने मार्किंग किया था उसको लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, हो गया इतना, और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, और ये एकदम डीप नेक है इसलिए यहाँ पर 1 इंच ही रखा है, नहीं तो डीप एकदम ज़्यादा डीप नेक है तो इस तरह आपको रखते हुए आर्मोल का गोला ही देखना है। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 इंच रखा, कम से कम 1.5 इंच रखना चाहिए, मैंने 1 इंच ही रखा है, क्योंकि एकदम डीप नेक है, डीप रहेगा ना तो आपको यहाँ पर आर्मोल गोलाई में आप अच्छे से माप देख के आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है फुग्गा आने का, वो एकदम डीप रहेगा ना, पीछे के साइड फुग्गा भी आ जाता है और रिंकल्स भी आ जाता है, इसलिए ऊपर 1/2 इंच आपको स्टिचिंग करने के लिए छोड़िएगा यहाँ पर। इस तरह अस्तर वाला कपड़ा है तो इसके लिए आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। अभी कंप्लीट हो गया। अभी शोल्डर कितना आया, यहाँ पर 2 इंच है, यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह मार्किंग करती हूँ, क्योंकि दोनों साइड में भी 1/2 इंच स्टिचिंग करने के लिए चाहिए। और देखिए, यहाँ पर इतना हो गया, और गले पीछे का जो गला है उस हिसाब से आप, ये डीप है, चाहिए तो आप कम डीप भी रख सकते हो, आप जो मेजरमेंट ब्लाउज़ कितना है उस हिसाब से आप रख सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैंने मटका शेप गला कटिंग कर रही हूँ, इस तरह मैंने मटका शेप का गला मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद आपको इसको इस तरह कटिंग करके लेना है। बैक सेट का कंप्लीट हो गया है, आपको इस वीडियो का, इस कटिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, आपको स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, आप देखिएगा। इसी तरह वीडियो आते ही रहेगा आपको ब्लाउज़ कटिंग्स और स्टिचिंग का। देखिए, कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर छोटा सा कट लगाइएगा, यहाँ पर भी छोटा सा कट लगाइएगा, क्योंकि हमको जो लास्ट में ब्लाउज़ का जो फिटिंग करता है ना, तब भी हेल्प हो जाएगा इसलिए। और गले का जो शेप हम लोगों ने जिस तरीके से मार्किंग किया था उस तरीके से कटिंग करना है। आप चाहिए तो यहाँ पर मैंने मटका गला बनाया है, आप चाहिए तो गोल शेप, चौकोर, जो भी हो आप बना सकते हो। और जिस तरीके से बैक साइड का हम लोगों ने कटिंग किया था न्यूज़पेपर में, आप उसी मेजरमेंट में कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, 1/2 इंच, 1 इंच, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, नहीं लेना है। जो मेजरमेंट में आपने कटिंग किया बैक साइड, वही पेपर के ऊपर आपको और एक पेपर में कटिंग करके लेना है, ये कटोरी कटिंग करने के लिए चाहिए इसलिए। देखिएगा, ये हो गया कटिंग। अभी सेम टू सेम चापा निकालना है, बैक साइड का जो है वही चापा निकालना है आपको। यहाँ पर नेक पेड के इधर मार्किंग करना है।
देखिएगा यहाँ पर इस तरह कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जो लिया था उसको यहाँ पर मार्किंग करना है 2 इंच का। इस तरह मार्किंग करके यहाँ पर इस तरह लाइन ड्रॉ करना है। बहुत आसान मेथड से आपको मैं समझाऊंगी कटोरी ब्लाउज़ को किस तरह कटिंग करते हैं, वो भी पुराना ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेके। यहाँ पर देखिएगा आधा इंच ओनली, आधा इंच ज़्यादा नहीं, यहाँ पर इस तरह मार्किंग करके ये इसको भी यहाँ पर आर्मोल साइड में भी कटिंग करना है। ये इम्पॉर्टेंट है, कटिंग करना ही है आपको इस तरह आर्मोल साइड में, क्योंकि नहीं तो रिंकल्स आ जाते हैं, यहाँ पर फुग्गा वगैरह आ जाता है, इसलिए यहाँ पर भी छोटा छोटा कट लगाइएगा। कट लगाने के बाद अभी आगे का गला कितना था, 6 इंच था, 6 इंच आगे का गला रखना है। यहाँ पर मार्किंग पीस में भी ठीक से मार्कर नहीं आ रहा है, यहाँ पर पेन से और एक बार मार्किंग करती हूँ। देखिए इस तरह आपको मार्क करना है, मैं डबल डबल मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि दिखता नहीं है इधर, इसलिए देखिए इस तरह आगे का गला बनाना है। आगे का गला बनाने के बाद जो ब्लाउज़ में जो टक्स लेंथ कितना है वो देखना है आपको अच्छे से। कोई भी सादा ब्लाउज हो या कटोरी ब्लाउज हो या डबल कटोरी हो प्रिंसेस कट हो, जो टक्स मार्किंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग करना है। देखिएगा यहाँ पर टक्स लेंथ है और यहाँ पर है ना, हाइट के हिसाब से जो टक्स लेंथ कम ज़्यादा हो जाता है, जो आपका मेजरमेंट ब्लाउज में जितना है उस हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैंने योग लेंथ का मार्किंग करके यहाँ पर इस तरह लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आपको 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेना है। ये जो लाइन ड्रॉ किया ना उसके ऊपर 1.25 इंच, आधा या 1.25 इंच लेना है और इसको इस तरह जो योग बेल्ट होती है ना, जो ब्लाउज़ का जो बेल्ट होती है, इस तरह क्रॉस पट्टी समझिएगा और इस तरह आपको कट करना है जो बेल्ट का। ये हो गया अलग। अभी यहाँ पर ब्लाउज़ में फिर से देखिएगा कटोरी का जो यहाँ पर कितना है, कितना 4.5 इंच है, 4.5 इंच को इस तरह मार्किंग करना है और सिलाई का मार्जिन भी लेके मार्किंग करना है आपको। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, 2 इंच आता है, यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया। ये भी हो गया। और ये नेक्स्ट क्या आता है, कटोरी का जो साइज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा ही ले लिया है और मैंने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा के ले रही हूँ क्योंकि एकदम जो साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा है। और यहाँ पर भी देखने का कितना है, यहाँ पर बढ़ा दिया, दूसरा कटोरी को बढ़ा दिया, जो बढ़ाने का था उसको छोटा कर दिया है कटोरी में, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर साइज में 5 इंच ले रही हूँ, 5 इंच को कटोरी ले रही। कुछ पुराना मेजरमेंट ब्लाउज रहता है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का मिस्टेक रहता है, हमको ठीक करके करना रहता है। देखिएगा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को यहाँ पर कटोरी का मार्किंग करना है। कटोरी का मार्किंग करने के बाद देखिए ये 3 पार्ट में हो गया, 1 पार्ट हम लोग को कटिंग किया, आगे का गला इस तरह कटिंग करना है, उसके बाद दोनों कटोरी को अलग अलग करना है, जो देखिएगा इसको इस तरह अलग अलग करना है। और जो मेन कटोरी जो होती है उसको बढ़ाना है, किस तरह बढ़ाने का मैं बताती हूँ। ये दोनों को साइड में रखिएगा और दूसरा न्यूज़पेपर लेना है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको लेके जो ये जो कटोरी का जो साइज है साइज के हिसाब से आपको मार्किंग करना है। सेम टू सेम कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है, कैसे बढ़ाने का मैं आपको बता दूंगी। और कोई भी ब्लाउज़ के लिए कौन सा भी साइज हो कुछ भी ऐसा सेम टू सेम नहीं होती है। ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ाया मैंने इधर और इधर 1 इंच और इधर भी साइड लेफ्ट साइड में भी 1 इंच, दोनों साइड में भी 1 इंच बढ़ाना है और इसका सेंटर में मार्किंग करके नीचे के साइड 1.5 इंच करना है। अभी इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, जो सेंटर है ना यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच करना है और इसको यहाँ पर मिलाइएगा और इसको यहाँ पर मिलाइएगा और ऊपर 1/2 इंच बड़ा है ना इधर, इधर से यहाँ पर इस तरह शेप देना है और इसको इस तरह कटिंग करना है। और दूसरा एक मेथड आता है, वो मैं आपको डायरेक्ट पेपर की ज़रूरत ही नहीं है और डायरेक्ट ब्लाउज पीस में ही कटिंग कर सकता है और ये इस तरह बढ़ाने का कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा, कितना बढ़ाने का क्या ऐसा बोल के डायरेक्ट रहता है, वो आगे वीडियो में मैं आपको समझा दूँगी। देखिएगा हो गया, फ्रंट पार्ट भी हो गया, बैक पार्ट भी हो गया। जो पेपर कटिंग में हम लोगों ने पेपर में कटिंग किया था उसको अस्तर के कपड़े में आप इस तरह रखते हुए आपको मार्किंग करना है। देखिए
इस तरह रखते हुए आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद डायरेक्ट कटिंग करना है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आप विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो देखिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए इसलिए। और ये भी पूछ सकते हो आपको किस तरह वीडियो चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर पूछना। और ये वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तो भी पूछिएगा, शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें आपका डाउट भी मैं क्लियर कर लेती हूँ। देखिए इस तरह कटिंग करके लीजिएगा पहला। और आपको मैंने बताया था कि स्लीव्स एकदम शॉर्ट कट में मैं बताऊंगी स्लीव्स कैसे कटने, कटिंग करने का बहुत इजी मेथड से। चलिए कैसे कटिंग करने का वो देखते हैं। देखिए जो बचा हुआ लाइनिंग पीस है उसको इस तरह फोर्थ फोल्डिंग में फोल्ड कर, ये डबल फोल्डिंग हो गया और इसको और एक फोल्डिंग हो गया तो फोर फोल्डिंग हो गया, और इस तरह कटिंग करके लेना है। और यहाँ पर पहला क्या करने का, आधा इंच में मार्किंग करके रखिएगा, नीचे सिलाई में चाहिए, और आपका जो स्लीव्स है उसको बराबर इस तरह आपको चापा निकालना है, इस तरह के देखिए इस तरह चापा निकालना है इसको, फिर शेप देना है स्लीव्स का, और एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है सिलाई करने के लिए। जो एक्स्ट्रा मार्जिन साइड में भी रखना है आपको कितना चाहिए मार्जिन, और अंदर की तरफ इधर हाफ इंच यहाँ पर शेप देना है, बस खत्म। बहुत इजी मेथड है ये, कोई भी लॉन्ग स्लीव्स हो शॉर्ट स्लीव्स हो इस तरह आप कटिंग कर सकते हो, बराबर आ जाएगा, कुछ भी मिस्टेक नहीं आएगा जो पुराना मेजरमेंट में आप लेना चाहते हो तो। तो उसके बाद मैंने ब्लाउज पीस लिया है, ब्लाउज पीस को डबल फोल्डिंग में रखना है। डबल फोल्डिंग में रखते हुए चारों साइड में, तीनों साइड में आधा आधा इंच छोड़ के आपको इस तरह कटिंग करते जाना है। उसके बाद अभी ये वाला कटोरी आता है, इस तरह आपको आधा आधा इंच ही छोड़ना है, उसके ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कटोरी का शेप लिया, देखिए इस तरह। चारों साइड आपको सिर आधा आधा इंच, और ये नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा किस तरह कटिंग करने में मटका गला कटिंग डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, और छोटा सा और भी डिज़ाइन अच्छा दिखना चाहिए ब्लाउज इसलिए करूँगी, और डोरी लटकन वगैरह सब बनाने वाली हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा किस तरह ब्लाउज़ को स्टिचिंग करते हैं, फुल वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और इसमें कुछ डाउट रहेगा तो भी आप पूछ सकते हो मुझे, और आपको समझ में आया नहीं आया वो भी कमेंट में ज़रूर पूछना मुझे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।